राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड गाइड और आज हम यहाँ पे हैं इंग्लिश टीचर फॉर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स के पेपर को लेके। यहाँ पर डिस्कस करना था कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं फॉर द पेपर। सब पेपर को क्रैक करना है तो प्लीज आप बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें लास्ट मोमेंट पे सब कुछ याद आया, तो प्लीज अब आपकी वीडियोस की जरूरत है। ये मैसेज लगातार आ रहे हैं तो मैं कहा चलो ठीक है क्वेश्चन लेके आता हूँ जिसमें आपको ब्रीफ कर दूंगी भाई ये करोगे तो पेपर इजिली क्रैक होगा। इजिली आपका पेपर को इजिली क्रैक करना है। सर कौन सी चीजें और टिप चाहिए, किन किन चीजों को याद रखना है और हम पेपर करेंगे कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना तीन चीजें। इस पेपर को अगर आपने क्रैक करना है तो तीन चीजें ऑन टिप करना। पहला वो नॉवेल्स जो मैं बोल रहा हूं उनको ऑन टिप करना। सीरियसली आई एम गोइंग टू टेल यू द सर्टेन नॉवेल्स वो ऑन टिप होनी चाहिए। देन नंबर टू कम टू द सेकंड पॉइंट, डोंट लीव योर बैकग्राउंड रीडिंग। बैकग्राउंड रीडिंग के क्वेश्चंस कंफर्म पेपर में आने वाले, कंफर्म। एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग, सीरियसली थर्ड एंड द लास्ट थिंग, कैरेक्टर्स को ऑन टिप करना। Characters and incidents, those are taking place in these particular novels. उनको on tip करना है क्योंकि यहाँ से question आना ही आना है। आपने कहा सर क्या है strategy क्या रहेगी? पहले clear करते हैं। We are having five questions, पांच question आने वाले। सब में हमारे पास A, B, C category होगी, मतलब तीन तीन दो दो part होने वाले। तो हम easily workout कर लेंगे। Paper कैसे आएगा? तो इसको as a sample paper लेके use करो, वो करना शुरू कर दो उसे। The first thing, a critical comment on. Sir, critical comment में क्या क्या आएगा? Straightforward भी आ सकता है, sir, RTC उठा के दे सकता है। What does mean RTC? एक annotation, play या test में तो उठा के दे देगा, आपको identify करना होगा कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, explanation। वो मैंने last में दिया एक। Let's start with the first thing. अरे यार रुको, अगर channel अभी तक subscribe नहीं कर, first time आए हो, तो पहले पूरी video को last देखना। और अगर लगे कि यार worth है, यहाँ पे कुछ helpful मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे हर वीडियो को जो आपको चाहिए। लेट्स स्टार्ट अदर क्लास। फर्स्ट क्रिटिकली कमेंट ऑन चार्लॉट डिसन टू मैरी मिस्टर कॉलिंस। चार्लॉट डिसन टू मैरी मिस्टर कॉलिंस, हु इज चार्लॉट? चार्लॉट लुकास, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एलिजाबेथ फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजिस, रिटन बाय जेन ऑस्टन। सर सब कुछ ऑन टिप चाहिए, सब कुछ। जब सब कुछ ऑन टिप होगा तो नंबर भी You're going to get that. The first thing, Charlotte decided to marry Mr. Collins. क्यों? क्यों उसने शादी, उसका reason क्या था? इतनी detail में हर answer पे नहीं दूँगा, class खिंच जाएगा। Number two, Jane life at Lowood School. Lowood School में Jane की life कैसे थी? तो sir पहले आपने लिखा एक ये bold heading लिख लो, Pride and Prejudice on tip होना चाहिए। अब दूसरा लिख लो Jane Eyre, ये भी on tip चाहिए। दोनों की video है यार, जाके देखो आराम से। जेने की वीडियो है, प्राइड एंड प्रेजिडेंस की वीडियो है, उसको देखो तसल्ली से समझना। देन कम टू नेक्स्ट, मिसेस पासेट। सर ये कौन थी, कहां से आ गई? द हार्ड टाइम्स लिख लो यार, तीसरा आ गया। प्राइड एंड प्रेजिडेंस, जेन एयर, हार्ड टाइम्स, तीसरा आ गया हार्ड टाइम्स। मिसेस पासेट सर ये कौन थी, ये भी मैं बता दूंगा तुमने क्या किया। फिर वीडियो को देखो, यू गेट टू नो हु इज मिसेस पासेट। देन फिलिप डिकिन, सर ये कहां से आया? Mill on the Floors, write down please. Sir, चौथा नाम Mill on the Floors, चार नॉवल, चारों को चारों on tip चाहिए आपको, क्योंकि एक नॉवल से कैरेक्टर्स आएंगे, तीन नॉवल से क्वेश्चन आएंगे। पहले ले लेता हूँ, एक नॉवल से कैरेक्टर्स, तीन नॉवल से क्या क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन बैकग्राउंड रीडिंग का। ये है पांच क्वेश्चंस। पांच क्वेश्चन को करने का तरीका, सब कुछ करने का है, कुछ नहीं छोड़ सकते। Come up to next stage. Pemberley State, ये किसका था? Darcy का था। Darcy on that Pemberley State, ये वही था जहाँ इधर जाते हो सारे doubts clear होते हैं। Then we'll come to next, I cannot trust from travel. तो poetry भी आ गई, तो poetry भी करनी है। Yes, you guys need to. कह रहा I cannot trust from the travel, I will drink life to lease. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me. All alone, that loved me all alone. So this is from Ulysses. This is from Ulysses. ये identify का नाना जी। इसको बोलते हैं RTC या बोलो annotation, अगर play से ले लेगा या novel से ले लेगा तो annotation हो गया, और poetry से उठाएगा तो RTC। हमें पता होना चाहिए किसने लिखा, Ulysses किसने लिखा, writer क्या बोल रहा था, क्या उसकी explanation थी, ये सब आपको देना है। तीन चीजें reference, context and explanation. That is required in your answer.
गाइस आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंटेंट पे क्लियर हो गया। हो सकता है ऐसे दो क्वेश्चन हो, हो सकता है ऐसे एक भी क्वेश्चन हो, लेकिन आपको तैयारी पूरी करनी है। कम अप टू द नेक्स्ट फेज, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट, अननेचुरल जनरली मींस ओनली अनकस्टमरी। आई रिपीट, अननेचुरल जनरली मींस ओनली अनकस्टमरी। कमेंट ऑन मिस व्यूज ऑन जेंडर रिलेशन इन द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। Those who have not touched the background reading till now, guys, आप बंद करें, कर लो कि subjection woman करना ही करना है। Paper में confirm question होगा subjection woman का। In the light of above statement, आपको define करना है। तो subjection woman का question sir 100% है paper में आ रहा है और हमें इसकी तैयारी करनी है। ये मैं हर बार बोलता हूँ। Come on, next one. Comment on the practice of discrimination against a girl child in 19th century. The discrimination in the birth of girl child in the 19th century in the society of British fiction of the period, जी हाँ उस period में, तो उस period में fiction में भी ये चीजें highlight की गई कि woman की society में जगह थी ना, उसको deprive किया गया पूरी तरह से। Again from the background reading, then we are having next. Marriage in 19th century fiction creates more problem than this sort. Sir, जरूर से ज़्यादा problem create कर देती थी। जितनी सॉल्व नहीं करती थी, तो मैरिजेस डिफाइन के लिए आपको अपनी रेफरेंस टू द नॉवेल्स एक्सप्लेन करना है। हो सकता है विद्या को टू नॉवेल्स, विद्या को थ्री नॉवेल्स, विद्या को वन नॉवेल पेपर में आ जाए, तो हमें ये लिखना है। तो गाइस यू हैव सीन दैट देयर इज द यूज ऑफ कैरेक्टर्स, देयर इज द यूज ऑफ पोएट्री, देन वी आर हैविंग द बैकग्राउंड रीडिंग इन दिस पेपर। देन कम टू द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। Compare and contrast the various attitudes of the female characters towards the marriage in Pride and Prejudice. Sir, female characters. 1. Elizabeth. 2. Jane. 3. Charlotte Lucas. 4. Lydia. In sub characters, sub character kya kar rahe hain, kya bol rahe hain, how they all been playing their role. That is the most important thing. Second one, examine the appropriateness of the title Pride and Prejudice. One of my favorite question, जो मैं अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा लिखा था, कि यार उसको appropriateness बताने आपको, pride and prejudice, इसको पहले Jane Austen ने first impression नाम दिया था, तो उसने बोला pride and prejudice कैसे appropriate है, क्योंकि Darcy refer करता है pride को, Elizabeth refer करती है prejudice को, उन दोनों को define करना है, उनके basis को बता रहा है, कि actually वो क्या चाह रहे हैं, क्या बताते हैं यार, that is required from you guys. Come to the next stage, तो हमने देखा पूरा थर्ड क्वेश्चन डिफाइन करता प्राइड एंड प्रेजिडेंस को। नेक्स्ट वन, दिस इज हाउ जेन रिलेशनशिप विद वेरियस मैन इन लाइफ लीड टू फैशनिंग ऑफ अ पर्सनालिटी, द फैशनिंग ऑफ पर्सनालिटी, या शी ग्रोस व्हाइल यू हैव रियली रिलेशंस विद डिफरेंट मेन, योर पर्सनालिटी ग्रो, मतलब एक के बाद एक पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आ गई, तो जेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको हाईलाइट करना था। देन वी आर हैविंग जेन रिलेशन विद रोस्टर, अब रोस्टर के साथ उस रिलेशनशिप की उसको बताना है, तो हे वी नीड टू मेंशन एवरीथिंग दैट हाउ हर रिलेशनशिप विद अ डिफरेंट मैन ग्रो और रियली इंप्रूव हर स्टैंडर्ड लिविंग, एंड देन रोस्टर के साथ उसकी रिलेशनशिप को कितना हाईलाइट किया, कैसे बताया है, वो जाना जरूरत है। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट फेज, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस, religion and religious practices in Jane Eyre. Jane Eyre को समझना जरूरी है, तो मैंने कहा यार टेंशन मत लो, क्लास ऑफ लर्निंग है आपके पास, यहाँ आपने सब्सक्राइब किया प्लेलिस्ट में जाओ, सारी वीडियोस है आपके पास, सारी वीडियोस को देखो, हैंड फ्री लगाओ, आराम से रजिस्टर हाथ में लो, सुनते जाओ, स्टॉप करो, पहले लिखो, फिर सुनो, फिर रोको, लिखो, पॉइंट्स बनाते जाओ अपने आप, दैट बी द बेस्ट पॉइंट। जंप अप टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन फिफ्थ, तो यहां आ गया जेन एयर, सर प्राइड एंड प्रेजिडेंस, देखो मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि पूरा कहां डिक्टेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द व्यू दैट द रॉचेल एंड द स्टीफन आर टू गुड और टू बी ट्रू। कौन थी रॉचेल, स्टीफन कौन था, स्टीफन ब्लैकवुड, रॉचेल उसकी गर्लफ्रेंड। अच्छा सर मैंने कहानी बता दी, सर स्टोरी मिल ऑफ द फ्लॉज, सर नहीं सर ये मिला तो फ्लॉज नहीं, तो हार्ड टाइम्स है, यस गेट इट।
ये हार्ड टाइम्स। तो हमें क्लिक करना है कि पहले स्टोरी कौन सी है। डोंट गेट डिस्टर्ब कि सर यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ होगी यार, स्टोरीज के कैरेक्टर्स को जी लो। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला कि आप लोगों को स्टोरी के कैरेक्टर्स को जी लेना है। जितना आप इंजॉय करो कैरेक्टर्स को उतना मजा आएगा, वो चीज डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाली है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे करेंगे। Come up to the next phase. What do you or what do Sissy Duke and Circus bring to the hard times? Say imagining illusion world. A world that would be needed. चाहिए था वो यहाँ लेके आया था hard times। तो सर ये हैं हमारे questions जो पेपर में आएंगे। पेपर आपका ऐसे होने वाला है 100%। तो गाइस अगर लगता है कि कुछ नहीं आता तो चिल आउट। मैंने बोला पहले प्लेस को ऑनटेक कर लो। क्वेश्चंस इजी होंगे, हर क्वेश्चन में ऑप्शन भी होगी। क्लियर बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन में ऑप्शन होगी आपको, इधर दिस और दैट, इधर दिस और दैट। तो लिखना शुरू करो, फर्स्ट स्टार्ट राइटिंग। लिखने की याद नहीं रही, ये स्कूल नहीं जा रहे आप लोग, आप एसएल के स्टूडेंट हैं और काफी टाइम से लिखा नहीं है। 3 घंटे लगातार तो लिखा ही नहीं पूरा साल हो चुका है, लास्ट टर्म में लिखा था। तो अब बैठ के लिखना शुरू कर दो। दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आओ, कमेंट डालो। ज्यादा जरूरत है नोट चाहिए, चीजें प्रॉम्प्ट कर रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से व्हाट्सएप डालो। बाकी वीडियो देखते रहो। हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा मैंने बोला था, द मोर यू डू द मोर द पीपल वुड रियली गेट टू नो कि यार हाँ यहां से देखेंगे तो सब इजिली हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो साथ जल्दी।